कैसे हैं आप? मैंने सोचा हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस में हमने सारे प्लैनेट्स की बात कर ली एक्सेप्ट केतु। और बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझते हैं, केतु प्लैनेट का नाम आते ही डर जाते हैं कि जैसे अब सब कुछ ब्लंडर हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड माय पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस नॉलेज विथ यू इज़ दैट कि कोई भी प्लैनेट, एनी सुपर पावर दैट यू बिलीव इन, वेदर इज गॉड, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, डजंट मैटर, कहीं भी कोई भी हमसे ऊपर बैठा हुआ हमको तंग करने के लिए कोई काम नहीं करता। नोबडी सिटिंग अप देयर वांट्स टू से कि आज ये जो नीचे ब्लू साड़ी में है ना, इसको मैं तंग करूंगा। आई मीन दिस इज नॉट व्हाट अ गॉड और अ सुपीरियर बीइंग और द सुपर सुप्रीम बीइंग और द हायर कॉन्शियसनेस विल एवर डू टू एनीबडी लोअर टू देम। तो हर एक चीज़ आपको एक लेसन, एक समझ देने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप छुट्टी पर किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जैसे दिसंबर में आप क्रिसमस हॉलीडेज पर लंदन जा रहे हैं। अगर आपको पहले से पता हो कि वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट होगा, क्या वेदर होगा, कितनी ठंड रहेगी, तो आप उस हिसाब से कपड़े लेकर जाएंगे ना। अब आप लंदन में मालदीव्स वाले कपड़े तो नहीं लेकर जा सकते क्योंकि वहाँ पे ठंड में आप जम जाएंगे। सिमिलरली कोई भी प्लैनेट आता है या जिसका फेज आता है, वो आपको बताता है दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिहेव, आपके ये अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, इस तरह से माइंडसेट होना चाहिए, इस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ़ यू नो इट, यू अंडरस्टैंड इट, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। कमिंग बैक टू केतु, केतु एक प्लैनेट है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में साउथ नोड भी बोलते हैं इन इंग्लिश। केतु वैसे तो एक शैडोई प्लैनेट है, लेकिन इसको समझाने के लिए इसके दो पॉइंट्स आपको समझाती हूँ। एक, इट रिप्रेजेंट्स पास्ट। Why it represents past? क्योंकि इसको जड़ भी कहा जाता है। जड़ मतलब रूट, रूट मतलब योर पास्ट। तो ये प्लैनेट हमेशा आपको पास्ट के बारे में सोचवाता रहता है, मैंने तब ये क्यों कहा, मैंने इसको ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस समय पर ये बात कहनी चाहिए थी, इस बात से ये बेइज्जती हुई, इस पॉइंट पर मैं हर्ट हुआ, इस तरह से आप सोचते रहते हैं। सो योर पास्ट ओरिएंटेड मीन्स आपने केतु की बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है। सेकेंडली, द गुड पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स झंडा, ध्वज। आज के टाइम पर झंडा मतलब यू नो द वे यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, फ्लैग मतलब हम कंट्री को बता देते हैं, लेकिन हजारों साल पहले जब फ्लैग्स नहीं होते थे तो झंडा वॉज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, इट इज स्टिल अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। तो जहाँ झंडा गाड़ दिया मतलब हम कहते थे यार यहाँ पे अपने नाम का ना झंडा गाड़ दो, झंडा गाड़ दो मतलब आई ओन दिस प्लेस, आई हैव कॉन्क्वर्ड दिस प्लेस। सो केतु ऑल्सो मीन्स विक्ट्री। तो अगर आप जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। हाउ डू वी लेट गो योर पास्ट? यू लेट गो योर पास्ट कि जब भी आपके दिमाग में वो बात आए, जब पास्ट की बात है, तो इमीजिएटली टेल योर माइंड कि मेरे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, अब मैं वहाँ जाकर तो कुछ कर नहीं सकता, वट एवर हैज़ हैपन, लेट मी लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। जब आपको जिंदगी में आगे देखना आ जाता है तो केतु आपको विक्ट्री की तरफ ले जाता है। जीत के लिए हमें आगे देखना पड़ता है ना, पीछे देख के तो जीता नहीं जा सकता। सो सिमिलरली, इफ यू वॉन्ट टू विन इन लाइफ, लेट गो ऑफ एक्सपीरियंसिस दैट आर होल्डिंग यू बैक। वो चीज़ जो आपको उड़ने में मदद ना करें, आपके पैरों पर वजन डालें, यू नीड टू लेट इट गो। इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल है ऐसी चीज़ों को जिनको आप सालों से जकड़ कर बैठे हो, जैसे रूट्स को, टू लेट देम गो। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू विन, टू फ्लाई, झंडे की तरह ऊपर जाना चाहते हैं, तो बाकी चीज़ों को जो वजन डाली है पीछे छोड़ दीजिए। लेट गो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज केतु टेल्स यू। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड लेट गो। I hope you understand and love this planet and are not afraid of it.